हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉरवर्ड वॉल्यूम कालेज की अदबी खिदमात क्या है, उसकी क्या पहचान है, मतलब लिटरेचर में किसी भी ज़ुबान में उसकी क्या पहचान है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखा हूँ, पूरा डिटेल से लिखा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को मैं ऐसे बता देता हूँ कि फॉरवर्ड वॉल्यूम कालेज, ये जानते हैं कि कोलकाता में है और इसको 1800 ईस्वी में कायम किया गया था और इसको अंग्रेजों ने कायम किया था और इसका जो सदर सरबराह था वो जॉन गिलक्रिस्ट था, जो अंग्रेज था। तो इस कॉलेज का कायम करने का मकसद ये था कि जो इंग्लैंड से जो लोग यहाँ पर काम करने की गर्ज से, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने की गर्ज से आते हैं, तो उन लोगों को हिंदुस्तानी ज़ुबान को सिखाने के लिए जो है इस कॉलेज को कायम किया गया था। तो उस मकसद से एक इदारा कायम किया, उस इदारा में पूरे हिंदुस्तान से अदीबों को, मतलब जो उर्दू के माहिर थे, उर्दू उदाद थे, उन लोगों को इकट्ठा जमा किया और ज़ुबानों को जो है, और अलग अलग ज़ुबानों को उर्दू में तर्जमा किया गया ताकि इंग्लैंड से आने वाले लोगों को उर्दू सिखाया जाए, यहाँ की तहजीब सिखाया जाए, इसलिए इस कॉलेज को कायम किया गया था। तो इसमें बहुत सारी किताबें तर्जमा किए गए थे, लिखे गए थे, उनमें से मीर अमन दहलवी की जो ख़ास किताब है बाग व बहार, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। तो वो किताब मीर अमन दहलवी की है, उसको आम फहम ज़ुबानों में लिखी गई और ये पूरे उस किताब बहुत ही मशहूर हो गया। मशहूर होने के बाद जो है उर्दू ज़ुबान को बहुत तरक्की मिली। तो ये है आप लोग को शॉर्ट करके बता। अब चलिए डिटेल में चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, फॉरवर्ड वॉल्यूम कॉलेज को अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में काम किया था, ये बता चुका हूँ कि 1800 ईस्वी में कोलकाता में काम किया गया था, अंग्रेजों ने काम किया था। इस कॉलेज को कायम करने का मकसद इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेजों को उर्दू ज़ुबान में तहजीब सिखाना, ये भी बता चुके कि इसका मकसद था इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेजों को उर्दू ज़ुबान में तहजीब सिखाना था। इस मकसद के लिए कॉलेज में शोबा तस्नीम व तालीब कायम हुआ, मैंने एक इदारा कायम हुआ, एक कमेटी कायम हुआ जो तस्नीम व तालीब का, मैंने नई किताब लिखने का काम करे। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट इस शोबा के सरबरा मुकर हुए। जॉन गिलक्रिस्ट जिसने, मैं आप लोगों को एक गलत हो गया है कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को इसको काम नहीं किया, बल्कि डॉक्टर वेलेसली ने काम किया था। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है ये किताब लिखने का जो कमेटी था उसका वो सरबरा था। गिलक्रिस्ट ने पूरे हिंदुस्तान से अदीबों को जमा किया और इनसे उर्दू में आम फहम ज़ुबान किताबें तस्लीम कराई। तो गिलक्रिस्ट ने पूरे हिंदुस्तान से, ये भी बता चुका हूँ कि अदीबों को जमा किया, पूरे मतलब पढ़े लिखे लोगों को जमा किया जो उर्दू दा है, और इनसे उर्दू में आम फहम ज़ुबान किताबें तस्लीम कराया, उर्दू में इसमें किताबें लिखना शुरू किए इनकी मदद से। इन अदीबों मीर अमन दहलवी, हैदर बख्श हैदरी, मजहर अली खान, लल्लू लाल जी, मीर काजिम अली जवा, मीर बहादुर अली हुसैनी वगैरह, मैंने और भी मुंशी थे, लेकिन इनमें खास ये खास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास है मीर अमन दहलवी है, उसका नाम बहुत ही फेमस है फॉरवर्ड वॉल्यूम कॉलेज के। इन्होंने फारसी संस्कृत की किताबों को हिंदुस्तानी ज़ुबानों में तर्जमा किया। इन मुंशियों ने क्या किया, फारसी और संस्कृत किताबों को जो है हिंदुस्तानी ज़ुबानों में तर्जमा किया। इन किताबों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत मीर अमन दहलवी की बाग व बहार को मिली, मैंने सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत मिली, शोहरत मिली जिस किताब, वह है मीर अमन दहलवी की बाग व बहार को मिली। ये किताब अपनी मिसाल आवर, मैंने इसकी किताब बहुत ही अहमियत रखता है फॉरवर्ड वॉल्यूम कॉलेज के लिए। तो देखिए, इससे पहले किताबें पेचीदा अल्फाज में लिखे, मतलब हर जुबान में जो लोगों को समझने में दुश्वारी होती थी, जिसको समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बाग व बहार की ज़ुबान ने उर्दू ज़ुबान को एक नई शक्ल दी। ये बाग व बहार जो किताब लिखे गए, ये किताब बहुत ही अहम,
उर्दू ज़ुबान को एक नई शक्ल दी, एक नई पहचान दी। ये नई पहचान जल्दी आम हो गया, मतलब वो जो नए असलूब किताब लिखने का जो नया एक तर्ज तरीके पैदा हुआ बागो बाहर की वजह से, ये जल्दी पूरे हिंदुस्तान में आम हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बाहर के अलावा बहुत सारी किताबें उर्दू ज़बान में लिखी गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बाहर के अलावा तो ये ख़ास किताब है, लेकिन उनके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी गई। इसकी वजह से उर्दू नसर को बड़ी तरक्की मिली। इससे उर्दू नसर जो प्रोज लिखते हैं हम लोग, जो स्टोरी लिखते हैं, तो इसको बहुत तरक्की मिली इस फोर्ट विलियम कॉलेज और बागो बाहर की वजह से। उसके बाद उर्दू नसर में किताबों की कमी नहीं। पहले ज़माने में 1800 से पहले उर्दू नसर में किताबों को उर्दू नसर को बड़ी तरक्की मिली थी। इसी वजह से इस ज़ुबान की वजह उर्दू नसर को बहुत तरक्की मिली। उर्दू नसर में किताबों की कमी थी पहले ज़माने में, उर्दू नसर में जो किताबों की कमी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से बहुत सारी किताबें उर्दू ज़ुबान में शामिल हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात की वजह से जो है बहुत सारी किताबें उर्दू ज़ुबान में शामिल हुए। इस कॉलेज की वजह से पूरे मुल्क में उर्दू नसर में किताबें लिखने का चलन शुरू हुआ। पूरे हिंदुस्तान में जो है इस बागो बहार की वजह से, फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से जो है उर्दू नसर लिखने का जो है चलन शुरू हुआ, मतलब रिवाज शुरू हो गया। इस उर्दू ज़ुबान व अदब को बड़ी तरक्की मिली। इस उर्दू ज़ुबान व अदब को जो है उन्हें इससे फोर्ट विलियम कॉलेज से, बागो बहार से, उसके बाद ये जितने भी मुंशी थे उनकी खिदमात की वजह से जो है उर्दू ज़ुबान व अदब को बहुत तरक्की मिली। फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात को नरेंद्र ने इसकी उर्दू ज़ुबान को तरक्की देने में बहुत ही बड़ी खिदमात है। तो इस खिदमात की वजह से हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को डिटेल से बता चुका हूँ, तो अब देखिए समझ में नहीं आने से बार बार पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए आप वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो वो भी बता सकते हैं, आया है तो भी बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।